बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। मैं हूं रजनीकांत। नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान श्री राकेश कुमार यादव जी हैं और देश के जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट, प्रसार समूह के चेयरपर्सन श्री बीपी गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके बीच में व्यापारियों की आवाज बनकर आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं देश के जाने माने एक बाजार, जिसे गफ्फार मार्केट के नाम से जाना जाता है, उस बाजार की एक समस्या जो कि एमसीडी उस मार्केट को खाली कराने की बात कर रही है। इसके पीछे की मंशा जो भी हो नगर निगम की, लेकिन व्यापारी हताश और परेशान है। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते आपसे यह सवाल बनता है कि आखिरकार सरकार इस तरह से व्यापारियों को अनट्रेंडम या अचानक आकर उनके कारोबार को बंद कर अगर कहीं ना कहीं स्थानांतरित करने की बात करती है तो कितनी दिक्कतें और परेशानी होती है। क्या यह मामला आपके समक्ष आया है, आप लोगों के नॉलेज में है या नहीं? ये अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है कि गफ्फार मार्केट इस तरीके से डाई जा रही है, कोई पर्टिकुलर शॉप्स हों। तो मैं कहता नहीं, होल मार्केट हटाने की बात मेरे नॉलेज में नहीं आई है। और आपने मेरी नॉलेज में डाला है तो मैं वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करके इस मामले में करूँगा। क्योंकि देखिए, मार्केट और फैक्ट्री शिफ्ट करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक दुकान की अपनी गुडविल होती है, मतलब हमारे जब ये मार्केट बनती है तो हमारे मेरी अपनी दुकान है सदर बिहार में। मैं 1957 से हमारे फादर बैठे हैं और उससे पहले जो हमारी दुकान थी वो 1887 से बैठे हैं वो वहाँ पर। तो एक गुडविल होती है, तो दुकान का शिफ्ट करना और फैक्ट्री का शिफ्ट करना अलग बात होती है। अगर फैक्ट्री बन जाती है, आप उसकी मशीनें खोल के महीने 15 दिन में आपका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि सिलेक्टेड कस्टमर होते हैं। लेकिन दुकान पर कस्टमर आते हैं बिल्कुल दुकान की पहचान बना के, वो कोने पर दुकान है जी, लाला जी बैठे होंगे, उनके बाल कम होंगे, ज़्यादा कम होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन रहता है शॉप का। तो इस तरीके से व्यापारियों को बर्बाद करने की भारतीय उद्योग व्यापार मंडल किसी भी तरीके से साजिश को सफल नहीं होने देगा। और मैं, अगर आपकी नॉलेज में है वहाँ के प्रेजेंट, नहीं तो मैं पता कर लूँगा और उनको कल ही बात कर लूँगा, बल्कि थोड़ी देर बाद ही। अगर इस मामले में होगा तो मैं एमसीडी कमिश्नर से इस मामले में बात करूँगा। और जो हमारे करोलबाग के जो हैं कुलभूषण आहूजा जी, कुलभूषण आहूजा जी बड़े मैच्योर हैं वहाँ पर, और वहाँ के जितने भी हमारे बिजनेस मैन हैं, जितने भी एसोसिएशन के प्रेजेंट हैं, मैं उस मामले में डीप बात करूँगा। लेकिन अभी तक मेरी संज्ञान में ये बात नहीं आई जी। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि अभी स्टॉक की बात की गई थी पिछले कार्यक्रम में, हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार जो है व्यापारियों को अपने दायरे में बांधने की बात करती है जी। तो क्या व्यापार दायरे में बंद कर किया जा सकता है? देखिए, जो अभी दाल और ये खाद्यान्न पदार्थों के लिए गवर्नमेंट का रूल आया था कि इतने से लिमिट आपके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने इस मामले में पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात की थी और सभी मंत्रालयों को किया था। और इस मामले में पूरी 27 स्टेटों की मार्केटें बंद रही थी। दिल्ली का अपना एक इशू था कि उन लोगों में यूनाइटेड नहीं हो पाए थे, लेकिन 27 स्टेटें बंद थी पूरी तरीके से। और इसका हमने पूरा मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दिया था और गवर्नमेंट को बात समझ आई। हमने उनको समझाया कि देखिए, जब कोरोना पीरियड हुआ, अगर हमारे पास माल नहीं होता तो हम लोगों को कैसे सप्लाई करते? गवर्नमेंट ने भी तो हमसे लिया, जितने कंज्यूमर्स हैं हमने उनको सबको प्रॉपर माल दिया। और कोई ये नहीं कह सकता कि खाद्यान्नों के रेट बढ़े हों उस वक्त में, या किसी ने ब्लैक मार्केटिंग की हो, या किसी को सामान मिलने में परेशानी हुई हो। तो एक कोरोना वैरियर की तरीके से हमारे इन्होंने सब जितने भी ग्रीन मार्केट के व्यापारी हैं, इन्होंने काम किया
और बहुत सफलतापूर्वक काम किया। तो ऐसे के ऐसे केसेस में अगर सरकार को लगता है कि कहीं ब्लैक मार्केटिंग होती है तो सरकार बताए कैसे होती है, लेकिन अगर सरकार इस तरीके से रूम में करेगी तो मंत्रालय को ये बात समझ भी आई और उन्होंने इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा भी दी उन्होंने पूरी तरीके से। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो सभी स्टेटों के प्रेजिडेंट की जो एकता थी वो काम आई और सरकार को ये बात समझ आई। पहली बार ऐसा लगता था कि लोग ये कहते थे जब हड़ताल होती है मार्केट बंद होती है तो केंद्र सरकार उस बात को इग्नोर कर देती है, बल्कि उसको अपनी इंसल्ट फील करती है कि ये लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर बात समझाने का तरीका हो और बात समझाने का आमदा हो आपके अंदर तो सरकार बात समझती है और उन्होंने समझा और इसकी लिमिट बढ़ाई। अभी भी हमारे बहुत सारे मैटर ऐसे हैं, अभी परसों हम लोग पीयूष गोयल जी से मिले थे तो हमने उनको कहा कि मीटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ऐसा नहीं कि हम पब्लिक में मीटिंग में आए और बात हो जाए। इसके बारे में आप अपने डिपार्टमेंट्स के जितने ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करें, आईएएस ऑफिसर्स को, हम अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे और आप हमें अपनी बात समझा दें कि आखिर पॉलिसी में क्या है। तो मैं समझता हूँ ये जो खाद्यान्न का जो स्टॉक का बात बोली वो सरकार को फीडिंग गलत हुई होगी। इस तरीके से एक फीडिंग ये आती है कि व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग करता है, कीमत बढ़ा देता है, अवेलेबल नहीं मिलता, तो कुछ मतलब संस्थाएं इस बात पर भी वर्कआउट करती हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम भी इस बात के खिलाफ है कि अगर कोई हमारा व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग करता तो वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना जी। तो ये सरकार को समझ आई और सरकार ने लिमिटेड बढ़ाई भी। अभी ये जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका होल मार्क का प्रॉब्लम आया है, अभी आपके सामने शायद आज आपने एक साहब को इन्वाइट भी किया था ज्वेलर्स मार्केट से, तो उनका भी एक प्रॉब्लम्स है। अब वो सरकार की नीति उपभोक्ता के हिसाब से ठीक है, लेकिन वो हमारे व्यापारियों को के सामंजस्य, क्योंकि अगर आप एयर कंडीशन बैठ के निर्णय करेंगे डायरेक्ट तो इफेक्ट हमारे पर पड़ेगा ना व्यापारी को। तो कंज्यूमर के बीच में और व्यापारी के नीति के बीच में एक सामंजस्य और ठहराव, इसके लिए सरकार से डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने इस मामले में सारा उनको समझाया कि एक व्यापारी किस तरीके से इस मामले में मतलब पार्टी बन जाएगा, उसके ऊपर केस हो जाएगा, जबकि व्यापारी की इंटेंशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वेद प्रकाश जी एक ज्वेलर्स हैं और वेद प्रकाश जी को वेद के नाम से एक होलमार्क का सर्टिफिकेट मिल गया। अब इन्होंने ज्वेलरी बनवाई उसके अंदर और उस ज्वेलरी के अंदर ये मार्क हो गया कि वेद प्रकाश जी ने 24 कैरेट का सोना यूज किया है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि ये रिस्पॉन्सिबल हो गए वेद प्रकाश जी कि भाई सोना बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, जो कहा वो बिकना चाहिए, उसमें कस्टमर के साथ किसी भी तरीके से ब्रेच ऑफ फेथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये बात आ गई कि मैंने इनकी अंगूठी लेके उसमें छेड़छाड़ करा ली, उस पर जो होल मार्क वो एजिटेड लगा हुआ है बाकी छेड़छाड़ हो गई, हु विल प्रूव कि मैंने ही छेड़छाड़ की है दुकानदार ने की, उस केसेस में दुकानदार को सजा का प्रोविजन है ज्वेलर्स को। तो ये एक ऐसा इश्यूज है जिसका मिसयूज किया जा सकता है, कानून में कोई इतना वो नहीं है लेकिन इसका मिसयूज पूरी तरीके से किया जा सकता है। तो हमने सरकार को कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर जो देहातों में बैठे हैं, जो गली कूचों में बैठे हैं, उनके लिए होल मार्क का सर्टिफिकेट लेना और उस कंडीशन को फुलफिल करना, क्योंकि मशीन आती है जिसकी प्रॉपर, मशीन कोई सस्ती नहीं होती है, वो यहाँ तो चलो एक प्रोफेशनल कंपनी से लगाते हैं, जैसे हमने लगाया तो हम स्वर्ण ज्वेलर्स का वो हॉलमार्क कर रहे हैं, लेकिन देहातों में जो बैठे हैं लोग, गली कूचों में बैठे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। रोजगार तो उनका भी जुड़ा हुआ है और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपने एक छोटे से छोटे व्यापारी की अस्मिता की, उसकी रोजी रोटी को सोच कर निर्णय करती है। तो हम सरकार से इस मामले में बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कोई हड़ताल वड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैटर रिस्पेक्टिव वे में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला तो जो सवाल था, और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बधाई का पात्र है जो कि व्यापारियों की एक आवाज़, जो कि स्टोर करने की बात थी, जो एक क्षमता तय की थी सरकार ने, आप सबके प्रयास से सफल हुआ, इसके लिए आप सभी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। और यही है कि सरकार सुनती है मगर वो आवाज़ और वो नीति, जैसा कि वेद प्रकाश जी बार बार बताते भी हैं, कई बार अपने एपिसोड में इन्होंने कहा भी कि हमारी नीति सही होनी चाहिए, और दूसरी जो है बात करने का जो हमारा जो दायरा है वो सीमित होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए। एक राकेश जी, दिल्ली में फिर से दोबारा बाजारों को बंद करने का जो सिलसिला जारी है, कोई 3 दिन के लिए बंद हो जाता है, कोई 2 दिन के लिए बंद हो जा रहा है, मगर प्रशासन जो है, क्या व्यापारी मंडल की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से कुछ सरकार से बात हो रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात हो रही है इस विषय पर कि बार बार बाजारों को डिस्टर्ब करने की बजाय
वो नियमता जो है लोग जो आने जाने वालों पर कोई अंकुश लगाने की बात करें। देखिए हम लोगों का काम व्यापार करना है, हमारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमारा नहीं है। हमने इस मामले के अंदर जो हमारी डीएम साहिबा हैं नॉर्थ की बताता हूँ मैं आपको, आकृति सागर जी और एसडीएम में राणा साहब, इसी तरीके से ये जो आपकी पेज ब्यास साइड की मार्केट बंद हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि जिस ग्राउंड पे आप लोग मार्केट बंद कर रहे हैं उस तरीके से तो आपको दिल्ली बंद कर देनी चाहिए। आप हमारी अपनी समस्याओं का, अपनी नाकामियों का, अपनी फेलियरनेस का ठीक रहा व्यापारियों मत छोड़िए, हमें व्यापार करने दीजिए और हमारी तरफ से जो कॉपरेशन का आपको उम्मीद करते हैं वो आप हमें बताएं। और मैंने डीएम साहिबा को कहा कि इसमें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और डीएम ऑफिस और व्यापारी चारों एक विंडो पे, एक काउंटर पे बैठें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निश्चित करें और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कार्रवाई भी करें। ऐसा नहीं कि पेपर वर्क हो गया पूरा हो गया। हमने डीएम साहिबा को बोला कि आप हमारे को वो दीजिए सिविल डिफेंस के गार्ड, तो उन्होंने कहा जी हमारे फंड नहीं है अभी और इतने सारे लोग इधर तो लगे हुए तो हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा हम भी नहीं दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे आपको गार्ड, क्यों? कल को जो हॉकर है, झोला टाइप के जो लोग हैं या ठेली वाले हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर देंगे? यहाँ पर 17,000 की बात करता हूँ, यहाँ पे 5,000 10,000 लोग माफिया टाइप के लोग अपनी पट्टी लगवाते हैं और उनमें लेडीज काफी होती हैं। अब कोई लेडीज अगर किसी जेंट्स पर, किसी गार्ड पर या किसी पदाधिकारी पर कोई आरोप लगा दे तो हम क्या करेंगे? हमारी तो इज्जत खतरे में आ जाएगी, हम तो मतलब ब्लॉक स्पॉट बन जाएंगे मार्केट के और लोग ये कह देंगे क्या पता यार ऐसा हो गया हो, क्या पता हो, जो वर्ड है वो बड़ा डीप वर्ड है और बड़ा एलिगेशन वाला वर्ड है ये, तो इसकी सफाई कौन देता रहेगा? तो हमने डीएम को कहा, इस बात के लिए मैंने डीडीएमए को लेटर लिखा और गृह मंत्रालय को लिखा, अजय भल्ला जी को मेल भेजी मैंने उनको, और उसके आपने अखबारों में पढ़ा होगा तो उनका ऑर्डर आया कि जो मार्केट का जो पटरी का इसका ज्यादा सारा काम है उसकी जिम्मेदारी व्यापारियों की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। और इस बात का पूरा नोटिफिकेशन अखबारों में छपा, हमने गृह मंत्रालय का और अजय भल्ला जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका धन्यवाद किया कि आपने हमारी बात को समझा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने व्यापारियों को समझाया कि जान है तो जहान है, कि साथ साथ आपने अपनी रोजी रोटी भी चलानी है। अगर सरकार ने कह दिया, मान लीजिए डीएम साहब कहते हैं ठीक है जी मैं फेल हो गई, मैं नहीं संभाल पा रही एडमिनिस्ट्रेशन, होम मिनिस्ट्री कह देती है, तो आपकी दुकानें बंद करना तो फिर जिंदगी बचाना है ना आपको। आप अपनी दुकान की मार्केट में सुंदर व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें योगदान दे सकते हैं, एक नागरिक के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर पुख्ता इंतजाम करें। और हमने डीसीपी नॉर्थ अंटेल अल्फांसी साहब को बोला, होम मिनिस्ट्री को बोला, कमिश्नर को लेटर लिखा कि भाई ये जो फोर्स बैठी है आपके पास अंदर, जो रिजर्व फोर्स, अभी कोई दंगा हो जाए तो आपकी सारी फोर्सेस मार्केट कंट्रोल कर लेती हैं पूरा एरिया, आपका भी कोई रॉयट्स हो जाए तो कर लेती हैं आप, अगर कोई अभी धार्मिक कोई दिक्कत आ जाए तो, रामलीला हो जाए, कुछ हो जाए तो आपकी फोर्सेस संभालती है ना सारा सिस्टम। तो ये तो पूरी वैश्विक बीमारी है, ये तो एक वैश्विक आपदा है, इस आपदा में फोर्सेस आपके अंदर क्यों बैठी हैं? आपकी फोर्सेस आ जाए, सीआरपीएफ आ जाए, बाकी आरएफ आ जाए और मार्केट में हो जाए, अगर कोई दुकानदार इंक्रोचमेंट करता है तो उसको अंदर करा दीजिए, और पटरी नहीं होनी चाहिए लेकिन पटरी वाले की रोजी रोटी का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि भुखमरी तो वहां भी है, अगर वहां रोटी नहीं मिलेगी तो बदमाशी बढ़ेगी, लोग अपनी क्रिमिनल साइड पड़ेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए आप जितने रामलीला ग्राउंड पड़े हैं, जितने मैदान पड़े हैं, जितने ईदगाह पड़ी है खाली, जहां पर अभी नवाज नहीं पड़ी जा रही है, आप उनको जगह दीजिए वहां पर कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाएं, क्योंकि अगर घर में शाम को उसके हम लोग, हमारी दुकान बंद हो जाएगी तो रोजी रोटी का सवाल हमारे सामने आता है, पटरी वाले का भी आता है। तो सरकार को एक बैलेंसिंग होना चाहिए, और हमने अपनी व्यापारिक संस्थाओं को भी कहा कि आप बैलेंसिंग बात कीजिए, किसी भी एलिगेशन करने का वक्त नहीं है, इसमें यह डिसाइड करना है कि मैं अपनी सरकार को, मैं अपने देश को, अपने समाज को इंडिविजुअल तौर पर क्या दे सकता हूँ। अगर 135 करोड़ जनता अपने अपने अधिकारों के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी तो निश्चित तौर से हम कोरोना के सारी बीमारियों से जीत जाएंगे और एक सुंदर व्यवस्था का निर्माण होगा। ऐसा मैंने सभी मंत्रालयों से मीटिंग में खुद मैंने इसको लीड किया और आप लोगों के आशीर्वाद से हमें इसमें सफलता भी मिली। और अब जो मार्केट है, बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां पर, तो बंद हो रही है, अदरवाइज तो मार्केट चली रही है। व्यवस्था सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें कोऑपरेशन करना, सहयोग करना हम पूरी नई जिम्मेदारी। बहुत ही सुंदर प्रयास जो कि आप सबकी तरफ से और कुछ व्यापारियों की समस्याएं जो प्रतिदिन
कुछ ना कुछ छोटे छोटे बाजारों से, छोटे छोटे जो समूह में लोग अपना कारोबार करते हैं, आपकी जो आपका जो संगठन है व्यापार मंडल, वो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहा है। दिल्ली में जैसा कि पीछे भी हम लोगों ने ये जब चर्चा की थी कि छोटे छोटे संगठन के रूप में व्यापारी बटे हुए हैं, और वो व्यापारी जब तक अलग अलग ट्रेड के लोग एक बैनर पर नहीं आते हैं और जब तक उनकी एकता एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं देती है, तब तक सरकार भी उनकी आवाज नहीं सुनती है। व्यापारियों के सामने एक चैलेंज है और संस्थाओं के सामने तो उससे भी बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इसका फायदा तो राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, मगर व्यापारी हमेशा नुकसान उठाते आ रहे हैं इस मामले पे, संगठित करने के मामले में। राकेश जी देखिए, फेडरेशन सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन है, वो सदर बाजार देखती है, वहाँ पे नियर अबाउट 83 एसोसिएशन है, उसकी पेरेंटर बॉडी फेडरेशन सदर बाजार है जिसका मैं प्रेजिडेंट हूँ। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में नियर अबाउट 700-800 की करीब आती हैं, और दिल्ली के 7 लाख व्यापारियों को रिप्रेजेंट करती है, पूरे हिंदुस्तान के 9 करोड़ या 7 करोड़ व्यापारियों को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे हमारे विजय प्रकाश जैन जी के डाटा बोलते हैं। तो हमने उनको यही कहा कि देखिए, अगर किसी समस्या को सॉल्व करना है तो आप सब लोग एक हो जाओ, और उसमें जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपके इलाके के अंदर कोई लो मेंटेलिटी का आदमी आ जाए तो हम सब लोग इकट्ठे होकर उसको भगा देते हैं, जैसे आपकी मार्केट में कोई बदमाश आ जाए और वो बदमाशी करे, चक्कू खोले, कुछ करे, तो पुलिस आने से पहले हम लोग अपनी सुरक्षा के हिसाब से एक हो जाते हैं और उसको भगाते हैं, फिर पुलिस को फोन करते आते हैं। इसी तरीके से संगठन को चाहिए कि महत्वाकांक्षा भी अपने आप में एक एक होता है, एम्बिशियस इज अ पॉइजन फॉर हैप्पी लाइफ। आप अपने एम्बिशियस के घोड़े पर दौड़ते रहेंगे तो आप एक नेगेटिव समाज का निर्माण करेंगे। आप अपने टारगेट डिसाइड कीजिए, लेकिन इतने महत्वाकांक्षी ना हो कि आपने समाज के जो अस्तित्व है उसको ही खत्म कर दें। तो जो लोग इस टाइप के अगर आपके ग्रुप में आ जाए, जिसको समाज ना ऊपर होकर खुद व्यक्तिवाद को ऊपर लेके आए, उन लोगों के लिए बाकी सब लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। और हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम इसीलिए है कि जब एक आदमी गलत है तो बाकी जो उसके नीचे 100 आदमी की कार्यकारिणी है, वो उस आदमी को बताएं कि आप समाज से ऊपर नहीं है, समाज आपके ऊपर है। जब एक नटनी चढ़ती है उस पर, समाज में अगर आपने देखा होगा तो नट उससे पूछता है कि तुझे किसी की शर्म लिहाज है, तो वो कहती है मुझे समाज की शर्म है, मुझे अपनी बिरादरी की समझ है। तो जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं वो भी इस बात को समझें, और ना समझें तो उनको समझाने वाले व्यापारी होने चाहिए कि भाई आप समाज से ऊपर नहीं है, आप हमें समय दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम भी हो रहा है, आप अध्यक्ष भी कहलाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज भी है, लेकिन आप अपने समाज के हितों को छोड़ के अपने व्यक्तिगत हितों को जब साधना शुरू कर दिया तो आपके लिए एक एग्जिट गेट भी होता है, एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है, तो एग्जिट गेट भी बना हुआ है, यहाँ से आप बाहर हो जाइए। ये जब समाज अगर जागरूकता के तरीके से संगठन चलेंगे तो निश्चित तौर से हम सभी समस्या, ना केवल व्यापारिक समस्याओं को, क्योंकि हैं तो हम सोशल एनिमल ना जी, अगर हम सभी समाज में बैठकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, चाहे वो एजुकेशन की समस्या हो, चाहे वो समाज की समस्या हो, या अपने शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए उसको सॉल्व करेंगे। अब दिल्ली के अंदर जैसे अब मैं अपने व्यापारियों को कहता हूँ कि जब मार्केटें खुलती हैं सुबह तो क्या होता है कि व्यापारी अपनी दुकानों पर झाड़ू लगाता है, MCD का कर्मचारी आया सुबह 8 बजे, उसने झाड़ू लगा दी, साफ हो गया, अब वो 10 बजे दुकानें खुली, दोनों साइड की दुकानों ने बीच में कूड़ा डाल दिया। इट्स रॉन्ग। वो जो कर्मचारी है वो भी इंसान है, तनख्वाह लेना अलग बात है, लेकिन उसकी आप एनर्जी का मिसयूज मत कीजिए ना, आप अपने डस्टबिन में कूड़ा डालिए, सफाई करके पूरी तरीके से, और जब वो जहाँ पर कूड़ा पड़ता है होता है वहाँ पे अपने किसी कर्मचारी से या MCD का लोग ले जाएं। तो ये जो आत्मा को अपनी जागृत करके जब हम लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया काम करेंगे तो ना केवल व्यापारिक समस्या सॉल्व होंगी, सामाजिक समस्याओं का भी समाधान निकलेगा। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।